रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान गैंग लीडर मनीष रावत पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर निवासी इंदिरा नगर कालिका होटल के पीछे थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सदस्य कासिम पुत्र शान मोहम्मद निवासी घंटा घर मुरब्बा गली थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु वाहन चोरी करने व चोरी का माल बेचने का अपराध कारित करते रहते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना रामगढ़ताल द्वारा दो वाहन चोरों जो कि मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी कर उनको बेचते थे उनको उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाकर उनकी शीघ्र ही संपत्ति जब्त की जाएगी एवं इस तरह के तमाम मोटरसाइकिल एवं वाहन चोर सबके खिलाफ जनपद गोरखपुर में एक अभियान के माध्यम से गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।